साहिबगंज में लगातार हो रही बारिश की वजह से गुमानी नदी उफान पर है। ऐसे में गुमानी बराज का फाटक खोलने से बरहरवा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई है और लोग अपने घर में रखे सामान को सुरक्षित स्थान के लिए निकल पड़े हैं। तो साहिबगंज में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण गुमानी नदी उफान पर है। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तो साहिबगंज में लगातार बारिश हो रही है, अभी सभी जगह लगातार बारिश देखने को मिल रही है और जिसके कारण गुमानी नदी उफान पर है। बराज का फाटक खोलने से कई गांव में पानी घुस गया है। तो साहिबगंज में लगातार बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, गुमानी नदी उफान पर है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, लगातार बारिश हो रही है और बताया जा रहा है कि गुमानी नदी उफान पर है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल, लगातार बारिश के कारण बहेट में एक गुमानी नदी जो है, गुमानी नदी का फाटक वहां पे है, वहां उसको खोल दिया गया। फाटक खोलने के बाद जो जल स्तर जो बढ़ने के कारण गुमानी नदी जो कि वहां से बरहरवा प्रखंड होते हुए वो गुमानी नदी जाके मिलती है गंगा में, उसी में जो वहां से जो फाटक जब खोला गया तो जल स्तर इतना बढ़ा कि जो भी गुमानी नदी के किनारे जितने भी गांव हैं जो बरहरवा प्रखंड इलाके में पड़ते हैं, जैसे आपको बता दें कि जो त्रिकुंड, पठान टोली, अंधर कोटा, दर्जी टोला, चाक पाड़ा, श्रीकांत पाड़ा, जमालपुर, मधुआ पाड़ा, जूही बाना, अगलोई, कागजोल आदि सभी गांव में करीब रात से ही पानी घुस गया है। और जब रात को पानी घुसा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। एक बैग जो पानी वहां पे आ गया घरों में, लोग अपने अपने सामानों को लेकर सुरक्षित स्थान पहुंचने गए। बहरहाल तुरंत रात को भी प्रशासन वहां पर कैंप किए हैं रात से ही, और जो भी राहत की कार्य को राहत का कार्य है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, क्योंकि ग्रामीण विकास जी बिल्कुल राहत पहुंचाया जा रहा है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर। साहिबगंज में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण गुमानी नदी उफान पर है और बताया जा रहा है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।